अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर ग्रेट स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक सब टॉपिक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या चीज है? जैसा कि हम जानते हैं, जब किसी मेटल के ऊपर लाइट की बीम्स पड़ती हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं और वो टुवर्ड द पॉजिटिव यानी एनोड की तरफ जाते हैं और फिर हमारे पास इस सर्किट में करंट प्रोड्यूस होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब चूंकि हम जिस सीरीज को चला रहे हैं या जो बातें हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली रिलेटेड है एमसीक्यू से या ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें मैं आपको एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि आइंस्टाइन को नोबल प्राइज जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक टॉपिक है जिसे वर्क फंक्शन कहते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन पर दिया गया। यानी आइंस्टाइन को आप ये कह सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से नोबल प्राइज इसको जो मिला वो आइंस्टाइन नोबल प्राइज किस वजह से मिला, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से मिला। अब बेसिकली मसला क्या था? मसला ये था कि जब एक मेटल के ऊपर रेड कलर की लाइट को इंसिडेंट किया जाता था तो इससे इलेक्ट्रॉन लेट से नहीं निकलता और उसके मुकाबले में किसी और रंग ब्लू ग्रीन वगैरह के ऊपर उससे इलेक्ट्रॉन इमिट होता था या किसी खास वेवलेंथ के ऊपर इलेक्ट्रॉन इमिट होता था और बाकी पर नहीं होता था। तो इस बात का जवाब उनके पास नहीं था, तो आइंस्टाइन ने यह जवाब जो प्लैंक्स की थ्योरी थी, फोटोन थ्योरी, इज इक्वल टू एच एफ, इस पर उसने दिया था। और उसने कहा था कि वो जो फोटोन आ रहा है अगर उसकी एनर्जी उसके वर्क फंक्शन की एनर्जी के बराबर होगी। अब जो हमारा असल टॉपिक है वो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन। अब स्टूडेंट्स, वर्क फंक्शन क्या है? ये वो मिनिमम एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय फोटोन to emit electron from metal surface। तो बेसिकली ये एनर्जी ही है, वर्क फंक्शन एनर्जी है और इसे phi से डिनोट करते हैं। तो आने वाला फोटोन जैसा कि हम जानते हैं उसको हम e से डिनोट करते हैं, उसकी एनर्जी कम से कम कितनी हो? फोटोन की एनर्जी के बराबर हो। अब सवाल ये पैदा होता है अगर एनर्जी ज्यादा हो तो बाकी एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में सर्फ होगी। तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, ये हमारे पास इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है, इंसिडेंट फोटोन एनर्जी, ये हमारे पास एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ फोटोन विच इज यूज इन मूविंग इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज वर्क फंक्शन एनर्जी, वर्क फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब हमारे पास लेट से आपके पास क्वेश्चन किस तरीके का आ सकता है, एक क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि फर्ज करें कि एक मेटल का वर्क फंक्शन जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर उसका वर्क फंक्शन कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक फोटोन आ रहा है जिसकी एनर्जी जो है वो 9.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी ई की एनर्जी कितनी है? 9.5। तो आपसे सवाल होगा कि कितने फोटोन इमिट्स हो सकते हैं इससे, तो इससे कितने इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे? तो 0 इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। तो ये इसका जवाब होगा, इस तरह का जवाब आ सकता है। या फिर इस तरह का सवाल आ सकता है कि अगर आपके पास एक मेटल है उसका वर्क फंक्शन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है,
अगर फोटोन जो आ रहा है उसकी एनर्जी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये बताएं जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी कितनी होगी, या काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, तो वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो स्टूडेंट्स, आपके पास इस तरह के सवाल वर्क फंक्शन से आ सकते हैं, और अक्सर पेपर में मैंने देखा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप नोट कर लें कि वर्क फंक्शन क्या है, ये वो मिनिमम एनर्जी है जो किसी फोटॉन को चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए, और टोटल जो फोटॉन की एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस फोटॉन एनर्जी के। अच्छा, फर्ज करें कि अगर ई और फाई आपस में बराबर हों तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी जीरो के बराबर होगी। तो इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंशाल्लाह आपकी मजीद हेल्प भी जारी रहेगी। थैंक यू वेरी मच।